फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 38 साइज प्लाकट ब्लाउज कटिंग करना बताएंगे बहुत इजी तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने आस्तर लिया है 75 सेंटीमीटर और इसके लिए ब्लाउज का फैब्रिक है ये। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सबसे पहले अस्तर में काट करूँगी। अस्तर में काट करने से फैब्रिक में काट करने में बहुत आसान होता है। तो हम काटा हुआ अस्तर को फैब्रिक के ऊपर रखते हुए हम काट कर लूँगी। यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले हम यहाँ से अस्तर को 2 फोल्ड में पिसा लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अभी भी मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अस्तर को 2 फोल्ड में अच्छे से पिसा लूँगी। तो ब्लाउज का लंबाई हमेशा अपने हाइट के अनुसार ही लेना है। किसी का हाइट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उसी के हिसाब से लेना है। मैं यहाँ से 15 इंच का ब्लाउज का लंबाई रखूँगी। उसके बाद हमें लेना है शोल्डर। शोल्डर में यहाँ से 5.5 इंच तक ही रखूँगी और यहाँ से नेक लूँगी 2.5 इंच तक। उसके बाद यहाँ से लेना है आमहुल। आमहुल में यहाँ से 6 इंच रखूँगी और यहाँ से 5.5 इंच बराबर। फिर हमें लेना है ब्लाउज का नेक डीप। नेक डीप आप अपने पसंद के हिसाब से लेना है। अगर ज़्यादा नेक डीप चाहिए तो आपको ज़्यादा लेना है। मैं यहाँ से देखिए मैं यहाँ से 12.5 इंच तक इसका नेक डीप रखूँगी। तो यहाँ से देखिए 3.5 इंच। तब इसको इस तरह से हम पहले हल्के हाथ से मिला लूँगी। ये देखिए मिला लिया। तब यहाँ पर देखिए हमें थोड़ा बी शेप जैसे यहाँ पर बैक नेक को हम काट करूँगी। फिर हम चेस्ट लेना है। यहाँ पर देखिए ये 38 साइज से मैं यहाँ से 9.5 इंच और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 2 इंच और यहाँ से देखिए 1 इंच तक हम यहाँ पर शेप लगाऊँगी। तभी देखिए हम बैक नेप को बी शेप जैसा यहाँ से शेप मिलाऊंगी इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। हमारा चेस्ट में जितने इंच तक हमें टोटल फैब्रिक लिया है उससे हम 1 इंच कम रखूँगी। यहाँ पर देखिए मैं 10 इंच का यहाँ पर रखूँगी कमर। फिटिंग्स करने के बाद हमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलेगा इसको आप काट करना है तो काट कर सकती है, रखना है तो रख सकती है। तो बैक पार्ट काट करने के बाद अभी हम यहाँ से फ्रंट पार्ट काट करूँगे। तो इसको देखिए हमें इस तरह से अस्तर को फुल करूँगी। तो काटा हुआ बैक पार्ट को हम इस तरह से रखूँगी। तो इस तरह से काटा हुआ बैक पार्ट को रखने से फ्रंट पार्ट काट करने में बहुत आसान होता है। तो अभी इसी के हिसाब से पहले यहाँ पर निशाना लगा लूँगी। ये देखिए, फिर देखिए यहाँ से बैक पार्ट से हमें फ्रंट साइड की तरफ से एक्स्ट्रा 2 इंच ज़्यादा रखूँगी। यहाँ से बराबर 2 इंच मिला लूँगी। ये बात ध्यान में रखना है, ब्राकेट ब्लाउज में एक्स्ट्रा 2 इंच ज़्यादा लेना है। तो यहाँ से देखिए 1/2 इंच का शेप लगाऊँगी आमहुल को। फिर हम यहाँ से फ्रंट नेक डीप ले लूँगी। देखिए तो फ्रंट नेक डीप हमें कितने इंच तक लेना है, यहाँ से मैं 7.5 इंच का फ्रंट नेक डीप रखूँगी। हम इस ब्लाउज में थोड़ा फ्रंट नेक डीप ज़्यादा चाहिए तो इसलिए मैं यहाँ से 7.5 इंच लिया है और यहाँ पर देखिए 5.5 इंच में और एक निशाना लगाया है। तभी देखिए यहाँ से हमें बास पॉइंट लेना है।
यहाँ से मैं 6 इंच का बास पॉइंट रखूँगी। फिर हम लेना है कातरू के लिए मेजरमेंट, ये 38 साइज से मैं यहाँ से देखिए 3.8 और यहाँ से भी 3.8 डबल ले लूँगी और एक्स्ट्रा 1 इंच, तो साइज से देखिए 4.5 इंच तक मिला है। तो देखिए अभी जो भी मिला है हम इसको हाफ कर लूँगी। हाफ करने के बाद देखिए यहाँ से 1 इंच लूँगी और यहाँ से भी 1 इंच, अगर कतरी के शेप ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पर 1.5 इंच तक लेना है और जहाँ से हाफ किया है वहाँ से इस तरह से मिलाना है। तभी देखिए ये दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर थोड़ा आइडिया करके लगाना होगा और ये देखिए 2 इंच तक आता है, तो यहाँ से इस तरीके से हम शेप लगाऊँगी। फिर देखिए इस पॉइंट को मिला दूंगी इस तरह से, तभी देखिए यहाँ से लूँगी 6.5 इंच, हम यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इसको देखिए इस तरह से हम तिरछा मिलाऊँगी। उसके बाद देखिए और एक कतरी के पार्ट यहाँ से काट कर लूँगी, दोनों कतरी के पार्ट को एक ही साथ में यहाँ से काट कर लूँगी और यहाँ से देखिए 4.5 इंच, फिर इसको हम इस तरह से सीधा करूँगी। तभी देखिए यहाँ से 1/2 इंच लूँगी और यहाँ से देखिए 1.5 इंच, तो जहाँ से हमें हाफ किया है वहाँ से इस तरह से बराबर मिलाऊँगी। फिर देखिए यहाँ से लूँगी 4 इंच, ये देखिए 4 इंच बराबर है और यहाँ से 2 इंच। यहाँ पर देखिए हमारा कटोरी ब्लाउज का ड्राइंग पूरा कंप्लीट है। तो अभी हम यहाँ पर देखिए जैसे जैसे यहाँ पर हम निशाना लगाया है उसी के हिसाब से यहाँ पर काट लगा लूँगी। फिर देखिए यहाँ से हम स्लीव काट कर लूँगी, ये देखिए इसमें देखिए 4 फुल कर लिया, तो हम स्लीव का लंबाई 11 इंच तक रखूँगी यहाँ से एक्स्ट्रा 1 इंच के साथ। स्लीव का लंबाई ऐसे ही 10 इंच था तो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ यहाँ पर 11 इंच लिया है और यहाँ से देखिए कितना इंच तक लेना है, यहाँ से मैं 8 इंच तक लिया है। फिर इसको यहाँ से इस तरह से मिलाऊँगी और स्लीव का राउंड आपको जितने इंच से उतने इंच रखा है, एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ रखना है। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ 8 इंच तक लिया है। यहाँ से मैं योग पट्टी काट कर लूँगी, योग पट्टी को मैं पहले फैब्रिक में काट करूँगी उसके बाद हम अस्तर में काट कर लूँगी। फिर देखिए हम फैब्रिक में काट कर लूँगी, फैब्रिक में देखिए यहाँ से मैं पहले बैक पार्टी काट कर लूँगी, काटा हुआ अस्तर को इसी के ऊपर में रखते हुए हम स्लीव काट कर लूँगी।
सभी बातों का हम इस तरीके से काट कर लूँगी। और यहाँ से देखिए टैक्स, टैक्स में यहाँ से 4 इंच तक लिया है और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं नूस लगा दूँगी। और ये स्लिप है, देखिए स्लिप में यहाँ से थोड़ा कुल स्लिप बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं कुल स्लिप के लिए 1.5 इंच और यहाँ से 3 इंच इस तरीके से, तभी मैं इसको काट कर लूँगी। यहाँ पर देखिए फैब्रिक और अस्तर में पूरा कटिंग कंप्लीट है। तो इसके स्टिच का वीडियो आप लोग अगला वीडियो में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। थैंक यू।